कॉइन टॉस गया आउट, बैट टॉस इज नाउ इन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं क्रिकेट इज माय लीजन, और आज हम बात करेंगे कॉइन टॉस और बैट टॉस के बारे में। तो 140 साल के क्रिकेट में कॉइन से ही टॉस होता आ रहा है, और अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉइन से ही टॉस होता है, लेकिन इस साल के बिग बैश सीजन में पहली बार हुआ कि बैट से टॉस किया गया। और जैसे कि हम कॉइन्स में हेड्स और टेल्स बोलते हैं, तो बैट्स में हम फ्लैट्स और हिल्स बोलते हैं, और ये एक बार हो भी चुका बिग बैश के पहले मैच में, और पूरा सीजन यही चलेगा। तो जिस बंदे ने इस बात का आइडिया दिया है बिग बैश में, वो कहता है कि कॉइन टॉस बहुत ही बोरिंग होता है, बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वो कुछ इनोवेटिव आइडिया देना चाहते थे जिस करके सारे लोगों की उनको अटेंशन मिल चुके, सारे इस टॉस पर ध्यान दें। उनकी बात सही है, लेकिन क्या आपको लगता है बैट टॉस में बिल्कुल फेयर चांस होता है? तो देखिए, जैसे कि बैट टॉस में आपको सबको लगता होगा कि ज़्यादा चांसेस है कि फ्लैट्स नीचे आएगा और हिल्स ऊपर, क्योंकि बैट की शेप इस तरह बनी गई है कि फ्लैट्स नीचे आने के ज़्यादा चांसेस है, और बहुत बार होगा कि वो बीच में रह जाएगा क्योंकि बैट का एज बहुत मोटा होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, कि आप दोबारा टाइम वो टॉस करोगे? तो इस करके मुझे इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। और ये भी मेरा सिंपल सा लॉजिक है, फिक्स व्हाट्स ब्रोकन, नो नीड टू चेंज व्हाट्स राइट। तो जब कॉइन टॉस में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, तो आप क्यों चेंज कर रहे हो? आज तक कभी नहीं हुआ कि कौन बीच में जाके गिर गया हो, हमेशा वो हेड्स आता है या टेल्स। तो बिल्कुल सही तो जा रहा है, तो आप क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों नए नए आइडियाज ला रहे हो जब पुरानी चीज बिल्कुल सही काम कर रही है? और बैट टॉस में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, इसमें कोई नहीं है, मैं मानता हूँ कि बैट को ऐसे नीचे गिराना बैट की एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है, और क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं कहता हूँ, इसमें कोई भी वो नहीं है, ये मैं खुद मानता हूँ कि बैट को नीचे गिराना बैट की डिसरिस्पेक्ट होती है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इस करके मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉइन टॉस ही चलने दो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट टॉस अपनाया जाए, मैं कहता हूँ नहीं, कॉइन टॉस ही चलने दो, एक ट्रेडिशनल वे है। और कॉइन टॉस में जब हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हम उसको क्यों चेंज किए? तो जो चीज़ में दिक्कतें आ रही है, जैसे कि नो बॉल वगैरह के कई रूल है, उनको चेंज करो ना। फिर आप क्यों ऐसी चीज़ों के ऊपर टारगेट कर रहे हो जो बिल्कुल सही काम कर रही है? तो उनको ऐसे चलने दो, और जो चीज़ें प्रॉब्लम ला रही है उनको करेक्ट करो। तो यही मेरा कहना था इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी मेरी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।